शाहपुर शहर के चांद पैलेस फंक्शन हॉल में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जानिब से 21 जनवरी को ग्रैंड प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। ये प्रोग्राम कामयाब इनाकाद अमल में आया है। के अब्दुल जब्बार DWC एंड कांग्रेस माइनॉरिटी प्रेसिडेंट इन दिनों दौरे पर है। इसी जिमन में शाहपुर की आमद के मौके पर शाहपुर MLA शरणा बसप्पा गौड़ा दशनापुर की सदारत में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जानिब से कांग्रेस माइनॉरिटी कन्वेंशन प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। इस प्रोग्राम में के अब्दुल जब्बार साहब और दशनापुर साहब के अलावा मुकामी कायदीन ने खिताब किया है। इस प्रोग्राम में दशनापुर साहब ने कहा है कि इस बार कांग्रेस को सत्ता में आना चाहिए, फिरका परत बीजेपी को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। सिद्धारामैया के तरफ से माइनॉरिटीज को दिए गए फैसिलिटी को कोई नहीं भूल सकता और बीजेपी की सरकार में माइनॉरिटीज और पिछड़े लोग, दलित और महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ये बताया गया। इस प्रोग्राम में मशाइखीन उलमाए कराम, कांग्रेस लीडर और वर्कर के अलावा लाल अहमद बम्बई सेठ, KPCC स्टेट वाइस चेयरमैन महबूब सुबानी, KPCC सिक्योरिटी मक्का मुस्तफा, माइनॉरिटी टाउन प्रेसिडेंट अवध चाऊ, DWC यादगीर वाइस चेयरमैन रफीक चौधरी के अलावा कैसी तादाद में आवाम शामिल रही। आइए देखते हैं इस वीडियो के तफसीलात। शाहपुर तालुक के माइनॉरिटीज के इस प्रोग्राम को आज के दिन का दूसरा प्रोग्राम है। इससे पहले सुरपुर को ये प्रोग्राम कर ले हुआ है, आज ये सेकंड प्रोग्राम है शाहपुर में दूसरा। इसका मकसद क्या कर बोले तो बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ क्या कर बोले तो हमारे वोटर लिस्ट में से नाम निकाल रहे हैं। वोटर लिस्ट में से 10,000 नामा हमारे एक कॉन्स्टिट्यूंसी में निकाले कर बोले तो हमारे 20,000 वोटा कम होती है। हमारे वोटा और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड क्लास के वोटा निकाले तो कांग्रेस के वोटा निकाले सर का होता कर बोल को बीजेपी वाले होना कर को तमाम लोग मिलकर ऑफिसरों को लगा को वोटर लिस्ट में से नामा निकाल रहे। ये जागरण करने के लिए, ये होशियारी देने के वास्ते हमें तमाम 224 कॉन्स्टिट्यूंसी में भी तमाम लोगों से, हमारे लोगों से, खासकर माइनॉरिटीज बैकवर्ड क्लास शेड्यूल कास्ट वालों से मिलकर ये होशियारी देने के वास्ते हमें तमाम जगह स्टेट वाइज हमें टूर करके तमाम लोगों को बोल रहे कि तुम्हारे वोटर लिस्ट में नामा चेक कर लो, अगर जिस जगह नामा नहीं है वहाँ फिर एक नामा लिखाओ। 17 साल वाले, 18 साल वाले सब भी घर में कौन नहीं वहाँ नामा लिखा को नहीं है उनके और एक टाइम वोटर लिस्ट में नामा लिखाओ कर बोल रहे क्यों अगर बोले तो हमारे वास्ते खास करके बीजेपी हुकूमत जो है हर एक नमूने का जुल्म कर लेते ही, ये आगे जुल्म जाना कर बोले तो तुम्हें लोग तमाम लोग मिलकर तुम्हारी वोटिंग करना। हमारे पास एक ही जगह हथियार हुआ है जो वोट करने का, अगर वोट करे तो ये हुकूमत को हमें निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर एक बार इन्होंने आने में क्या भी शक नहीं। इसके वास्ते तुम्हें लोग सब मिलकर इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ 90% कांग्रेस के जिसे भी खड़ा करते हैं कांग्रेस के अभ्यर्थी को, कांग्रेस के कैंडिडेटों को वोट देना और जीता को लाना और फिरका परस्त ताकत को निकालना। पिछली बार सिद्धरामैया के ज़माने में जैसे काम हुए
उससे ज़्यादा काम मैं हमें इंशाल्लाह एज MLC में बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा काम ये स्टेट के हमारे लोगों को मैं करा देता हूँ। और को ये आप तुम्हारे TV के तरफ से मैं जुबान देता हूँ। इतने कॉलेज हैं, इतने स्कूल हैं, इतने मदरसे जो होले कोई कौन इनो करे थे। कांग्रेस के दौर में तो हुआ है, लाखों की मस्जिदें हो गए, लाखों के मदरसे भी है, लाखों के स्कूल कॉलेज हैं भी, हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के दुनिया के कॉलेज स्कूल भी है। आज 200 से 300 अबुल कलाम आज़ाद स्कूल्स कल को चल रही है कर्नाटक में, जिसमें 6वीं क्लास से 11वीं क्लास 12वीं क्लास तक फ्री एजुकेशन और ऑल पूरे फैसिलिटीज़ के साथ, खास करके माइनॉरिटीज के वास्ते। ये दूसरे कौन भी करने होता भी नहीं, करे भी नहीं, इन्हों है ना प्रोपोगंडा करके ख़राब कर सकते होता, इनके तरफ से अच्छा करने क्या भी इनके पास है नहीं। और इससे पहले आपने एक बयान में कहा था कि गवर्नमेंट स्कूल से लेकर जो डेवलप करेंगे और जो अपनी गांव की जो स्कूल हैं और जो मेरे मैं आज भी बोल रहा हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, तुम्हें जो जो MLA चुन को लाते हैं उनको तुम्हें बोलना हमारे गवर्नमेंट स्कूल जो भी खस्ता हालत में हैं उन्हें गोद ले लेना, गोद ले लेकर उसे इम्प्रूवमेंट करे तो हमारे बच्चों को अच्छे बैठने उठने टेबल कुर्सी और अच्छे कंप्यूटराइज एजुकेशन अगर हमें दिए हमारे बच्चे अच्छे होते हैं, इंजीनियर डॉक्टर होते हैं। अगर ऐसा नहीं करे अगर बोले तो हम ये गवर्नमेंट नहीं गई तो वो करने देते नहीं हमने। अगली बार अगर हमारी गवर्नमेंट आई तो ये पूरा काम हमें करते हैं अगली बार इंशाल्लाह, क्या भी उसमें दो राय नहीं। अभी ये 200-400 स्कूल करिए हमें अबुल कलाम के, पूरे स्टेट में जो भी उर्दू स्कूल बंद हो रही वो अबुल कलाम आज़ाद की स्कूल ओपन करते हैं, जिसमें तीन लैंग्वेज, एक उर्दू, एक कन्नड़ा, एक इंग्लिश, तीन लैंग्वेज पढ़ा को बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने की कोशिश करते हैं। और हिजाब जाना सब जाना कर बोले तो कांग्रेस वापस आना बस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहु। आज बरोज़े 21 तारीख 2023 को शाहपुर में चांद पैलेस में एक माइनॉरिटी कन्वेंशन फंक्शन रखा गया था, जिसमें हमारे स्टेट के माइनॉरिटी प्रेसिडेंट जनाब अब्दुल जब्बार साहब तशरीफ़ लाए थे, और उसी के साथ हमारे हरदिल अजीज़ MLA साहब श्री शणबसपा गौड़ा साहब भी आए हुए थे। यहाँ पे ये फंक्शन रखने का एक मकसद ख़ास आने वाले इलेक्शनों को नज़र में रखते हुए इस फंक्शन को रखा गया था। आने वाले दिनों में आप तमाम से गुजारिश है कि हर एक इंसान अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कांग्रेस के लिए वोट करने के लिए वोट करिए, वोट कराइए, और शणबसपा साहब दशनापुर को फिर से एक बार जिताने की हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। और उसी के साथ आज के फंक्शन में आए हुए सभी तमाम देहात से और शाहपुर से आए हुए लोगों का मैं तहे दिल से मेरे सभी दोस्तों के तरफ से और दशनापुर साहब की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।